हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। व्लॉग है ये सैटरडे का, सुबह से शुरू किया है मैंने। तो सैटरडे को सानवी खुशी दोनों गए थे स्कूल, उन लोग का एग्ज़ाम था और लास्ट एग्ज़ाम था। तो मतलब खुशी का एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम था। शानू के एग्ज़ाम फ्राइडे को ही ओवर हो चुके थे, बट उसका प्रैक्टिकल था तो वो प्रैक्टिकल के लिए गई थी। तो यहाँ पे बस मैं अभी मेरे अपने लिए मौसमी का जूस निकाल रही हूँ, वो सब लोग को पिला चुकी हूँ। हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं थोड़े मोड़े काम करने के लिए। ये जूसर बड़ा ही कमाल का निकला, बहुत ही हैंडी है और सिट्रस जूसर है ये। तो मौसमी का जूस निकालने के लिए ये एकदम ही परफेक्ट है। मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मुझे ना इसमें मौसमियाँ छीलनी नहीं पड़ती, वरना मेरा जो स्लो जूसर है उसमें बहुत अच्छा जूस निकलता है, नो कॉम्प्रोमाइज़ उसमें भी। बट उसमें है ना पहले मौसमियों को छीलना पड़ता है, तो वो फिर ये रहता है कि कौन छीले कब छीले। तो ये जब से आया है थोड़ा सा फ़ायदा हो गया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात करता नहीं है, बट इस बारे में बात होनी चाहिए। इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। और मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ, ये टॉपिक एक्चुअली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अडल्ट डायपर्स। और सोसाइटी में अडल्ट डायपर्स यूज़ होते ही हैं, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं क्योंकि हम बात नहीं करना चाहते। तो मैं इसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट हम में से वो सभी लोग जिनके घर में ऐसे अडल्ट हैं या ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायपर्स की ज़रूरत होती है, वो एक बेटर सिलेक्शन कर पाएँ, सो दैट जो अडल्ट हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो पेशेंट हैं, उनके कंफर्ट का ध्यान दिया जा सके। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ कि घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, पेशेंट्स हैं, या आफ्टर सर्टन प्रोसीजर्स भी ऐसा होता है कि ब्लैडर कंट्रोल आफ्टर सर्टन एज भी ऐसा होता है कि ब्लैडर कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे हालातों में कौन सा अडल्ट डायपर यूज़ करना बेहतर रहेगा। और मैं आपके साथ एक ब्रांड शेयर करने वाली हूँ जो अल्टीमेट कम्फर्ट तो देता ही है, हाई एब्जॉर्बेंसी भी देता है। इसके अच्छे फीचर्स के बारे में मैं आपसे आगे वीडियो में बताऊंगी ही। बाय द वे, ये है कैरिन के अडल्ट डायपर्स और ये प्रीमियम डायपर पैंट्स हैं जो हाई एब्जॉर्बेंसी के साथ आते हैं। तो चलिए मैं आपको ना खोलकर भी दिखा देती हूँ कि ये डायपर कैसे दिखते हैं, बाद में हम इसको टेस्ट भी करेंगे। और ये जो डायपर्स है ना, ये बिल्कुल पैंटी की तरह कंफर्टेबल हैं और ये अप टू 12 आवर्स का प्रोटेक्शन देते हैं। और कंफर्टेबल फिट के लिए यहाँ थाइस पे है ना, इसमें ये स्ट्रेच पैनल्स दिए गए हैं और इसमें है ना आपको ये टियर अवे साइड्स मिलते हैं दैट अलाउज ईजी रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ डायपर्स। इसके अंदर सुपर एब्जॉर्बेंट जेल कोर दिया गया है जो क्विकली फ्लूइड्स को लॉक करके जेल में कन्वर्ट कर देता है और इससे ओडर भी एलिमिनेट हो जाती है। इलास्टिक वेस्ट बैंड है इसमें और ये जो ब्लू लाइंस है इट हाइलाइट्स द फ्रंट ऑफ द डायपर। और इसमें है ना इस तरह के लेग कफ्स दिए गए हैं, तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो फिट आपको बेटर मिलता है, दूसरा इससे ज्यादा बेहतर लीकेज प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये डायपर पैंट्स जो है ये लीक प्रूफ है। इसमें आप देख रहे होंगे ये एक येलो लाइन है, तो ये जो येलो लाइन है ये एक्चुअली इसका वेटनेस इंडिकेटर है, दैट शोज कि कब आपको डायपर बदलने की जरूरत है। एक्चुअली जैसे जैसे डायपर यूज होता चला जाता है तो इसकी जो एब्जॉर्बेंसी है वो कम होती चली जाती है, यानी ये जो येलो लाइन है ना ये फेड होती चली जाएगी, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब इसको बदलने की ज़रूरत है। और हाँ, ये डायपर्स है ना ये यूनिसेक्स है, यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं और ये 3 साइजेस में आता है। बाकी जो प्रिसाइज मेजरमेंट है मतलब वेस्ट बैंड साइज एंड इंचज एंड ऑल, वो मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी, तो आप यहाँ से चेक करके बाय कर सकते हो। ऑल्सो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है और इनकी जो वेबसाइट डिटेल्स है वो भी मैं आपकी ईज़ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप चेक कर लेना। तो मैं है ना बस लंच की तैयारी कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा पुलाव बनाने वाली हूँ मैं। मैं इस बार जब डीमार्ट गई थी, इस बार नहीं, मैंने कुछ 3-4 महीने से ये प्रैक्टिस शुरू करी है। मैं दोनों तरह का राइस लेकर आती हूँ, मतलब बासमती राइस जो ब्लू वाला जो बैग है, इंडिया गेट जो आप सभी को अच्छा लगता है देखने में, वैसे वो काफ़ी ज़्यादा लाइट भी होता है, टेस्ट अच्छा होता है एंड उससे ना रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, तो वो तो मैं लाती हूँ, हमेशा से लाती हूँ। आजकल मैंने स्मॉल ग्रेन भी लाना शुरू किया है, तो इस बार तो जीरा सर लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे सोना मसूरी मिला नहीं, वरना यूजुअली सोना मसूरी ही लेकर आती हूँ मैं डेली के हिसाब से।
ये जो शॉर्ट ग्रीन स्मॉल ग्रीन होता है ये थोड़ा अच्छा रहता है। ये सस्ता तो है ही बट ये ना कम प्रोसेस हुआ होता है तो उस हिसाब से ये हेल्थ के लिए अच्छा है। तो कुकर में जब बनाना होता है ना मुझे इस तरह पुलाव तहरी वगैरह, तो जो शॉर्ट ग्रीन राइस है उससे अच्छा बन जाता है। मैं यहाँ पर बहुत ही झटपट सा पर बहुत ही टेस्टी सा पुलाव बना रही हूँ और ये वाइट बनता है, एज इन इसमें हल्दी और मिर्ची दोनों नहीं डलते। तो आपने देखा कुछ एक मसाले डाल करके, खड़े मसाले, ज़ीरा डाल करके, फिर मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्ची का मसाला सा बना लिया है। इसमें हरी मिर्ची ना थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि लाल मिर्ची तो जाएगी नहीं, और ये थोड़ी सी तीखी वाली है, मैंने बड़ी बड़ी ही काट ली हैं, आप बारीक भी काट सकते हो। और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं पनीर और मटर और आलू, ये तीनों के साथ बनाऊंगी। और मैंने जो राइस है वो जस्ट अभी वॉश करा है, सोक नहीं करा है। ये कुकर में जब भी कोई सा भी राइस बनाएं तो जस्ट वॉश करके ऐड करें, सोक करने से फिर वो थोड़ा सा ना चिपक जाता है, ओवर कुक हो जाता है। और बस मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दूँगी, इससे खुशबू टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, सीटी लगने पर पानी नहीं निकलेगा बाहर। एंड इसमें मैंने मसाले भी बिल्कुल सिंपल करे हैं, थोड़ा सा नमक तो मिलाना ही था और साथ में थोड़ा बिरयानी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतने ही मसाले मिलाए हैं और इसको एक सीटी ले लेंगे। मीनवाइल इसके साथ खाने के लिए मैं रायता बना रही हूँ, और तारी के साथ हम लोग पतला रायता प्रेफर करते हैं अगर सिंपल है बूंदी का है, और या तो फिर वेजिटेबल रायता पसंद करते हैं कि यानी उसमें प्याज टमाटर खीरा सब बारीक काट कर ऐड किया हुआ हो। अब इतनी वेजिटेबल तो उसके अंदर ही थी तारी में ही, तो फिर मैंने सोचा सिंपल वाला रायता बनाती हूँ। तो मैंने बूंदी को मसालों के साथ अलग से सोक कर लिया था और पतला सा दही का घोल बना लिया है, एंड ग्लास में सर्व करके तारी के साथ हम लोग एंजॉय करते हैं। खिड़कियाँ, अच्छा धुआं, इतना धुआं, वो वाली खिड़की खोल दो मंदिर वाली, फिर ये कप का धुआं उधर को निकल जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, और मैं बनाने लगी हूँ, मतलब मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी, और मैं बनाऊँगी आज सांभर, तो क्विक वाला सांभर विद डोसा, क्योंकि थोड़ा बैटर रखा मेरे पास, तो डोसा उसके साथ जो आलू की स्टफिंग बनती है ना, मसाला डोसा जो होता है, तो वाली स्टफिंग भी बनाऊंगी। चटनी नहीं बना रही हूँ, हालांकि मेरे पास नारियल रखा हुआ है, बट फिर वही है कि उसे कौन खोलेगा, और खोल तो देंगे, खैर शर्मा जी खोल देंगे, मैं भी खोल दूंगी, लेकिन मेरे पास अभी हरा धनिया भी नहीं है। एक्चुअली हम लोग को है ना, मेरे पास एक्चुअली सब्जियाँ ही नहीं है, कुछ एक चीज़ें रखी हुई हैं, तो हम लोग का प्लान था कि सब्ज़ी लेने जाएंगे, आज सैटरडे है और शर्मा जी वही बस धूप कर रहे हैं उधर, सैटरडे को हम लोग थोड़ी सी क्लेंजिंग करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि सब्ज़ी लेने जाने का प्रोग्राम था, लेकिन बारिश हो रही है, तीन दिन ऐसे हो गए, खूब तो बिजली कड़क रही है ना, बारिश ऑन एंड ऑफ हुई जा रही है, तो मन भी था एक तो कि चलो ले आती हूँ सब्ज़ी। और फिर क्या होता है ना कि वहाँ है ना वो सब्ज़ी वाले भैया सब नीचे बैठते हैं, तो वहाँ पूरा कीचड़ कूचड़ सा हो जाता है, तो थोड़ा सा मन नहीं करता, एंड सब्ज़ियाँ भी पूरी गीली होती हैं इस वक्त, ऊपर से भीड़ भड़क का एंड ऑल दैट अलग से होता है, तो फिर सोचा कि चलो जाने दो, कल देखते हैं, अगर थोड़ा मौसम ठीक रहा तो कल ले आएंगे सब्ज़ी। खोल भी लो तो धनिया तो नहीं है ना, फिर बनेगी नहीं चटनी में, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ क्विक सा सांभर, बिल्कुल ही क्विक वाला बना रही हूँ मैं, और थोड़े से ये आलू सब्ज़ी के लिए सांभर के साथ ही बॉईल कर दूँगी, साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी जो सब्ज़ियाँ मेरे पास हैं, टमाटर, प्याज, कैरेट और ये है लौकी थोड़ी सी, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको सीटी लगाने रखेंगे। ये आलू दो तीन सीटी इसमें आ जाएगी ना, तो मैं ये आलू निकाल लूँगी, इसकी अलग से सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये देखो मेरे पास आज करी पत्ता भी नहीं है, मतलब मेरा जो प्लांट है ना वो बिल्कुल ही बेचारा ऐसा नंगा गंजा सा हो गया है, उसमें बिल्कुल भी पत्ते नहीं है। हालाँकि मैं आपको बताती हूँ, कड़वी नहीं है लौकी, तोरी को हमेशा इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा काट के देख लें। तो मेरा जो प्लांट था ना जब हम इस घर में आए थे, तो वो इतना ऊंचा हो गया था, मेरे इतना तक आता था वो, तो मैं आपको बता रही थी मेरा करी प्लांट इतना बड़ा हो गया था। और फिर उसके बाद आपको याद हो तो मैंने ना एक वास्तु वाले पंडित जी को बुलाया था, तो उन्होंने बोला कि उसको मीठा नीम भी बोलते हैं करी पत्ता को, तो उन्होंने बोलता कि मीठा नीम है ना घर में नहीं रखते, कुछ प्लांट घर में अंदर रखते हैं, कुछ प्लांट घर के बाहर रखने चाहिए। तो उन्होंने जो जो बोला उस हिसाब से फिर मेरा वैसे दिल तो नहीं था उसे बाहर रखने का, क्योंकि बाहर यू नो फिर वही है, एक तो थोड़ा धूप का भी अभाव रहता है और थोड़ा उतनी अच्छी उसकी केयर नहीं होती, पर उन्होंने बोला रखवा दिया, तो हम लोगों ने रख दिया। उन्होंने कहा कि उससे है ना घर के अंदर नेगेटिविटी आती है,
हालांकि वो बालकनी में रखा हुआ था, पर अब वो बोल रहे होंगे तो अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहे होंगे, तो मैंने वो जो करी पत्ता का प्लांट था वो बाहर रख दिया, और फिर वहाँ पे थोड़े ही दिन में जो मुझे डर था वही हुआ। उसके पत्ते 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 सारे गायब होने लगे, मतलब इतने उस पर आते भी नहीं थे जितने उस पर से टूटते थे, और वो इवेंचुअली पूरा ही गंजा हो गया, एक भी उसके ऊपर पत्ता नहीं बचा। तो अपनी आँखों के सामने उसको मरते हुए देखना मेरे को बहुत कष्ट हो रहा था। मैंने उसे इतने साल मेहनत करके बड़ा किया था, फिर मैंने शर्मा जी को बोला कि इसको नीचे रख दें, क्या कर दें। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा यार एक प्लांट कितना ही नेगेटिविटी दे देगा, लाइक नेगेटिविटी तो वो मुझे है ना, मतलब अगर आप प्लांट लवर हैं तो आपको फील होगा, मुझे लगा कि यार ये कितनी ही नेगेटिविटी दे देगा। तो मैं उसको ले आई हूँ वापस अंदर, और अभी वापस से उसमें कोपले आ रही हैं, मैंने देखा उसमें 3-4-5 ब्रांचेज आ गई हैं, तो वापस से उसकी केयर करूँगी ना, ठीक हो जाएगा। हाँ, आज एक बड़ी अच्छी बात ये हुई, मैंने एक्चुअली सब्जियां काटी थी सारी आलू के ऊपर पहुंच गई, आलू तो मुझे बस थोड़े स्टीम से करने हैं, सब्जियां गलानी हैं, तो मैंने सारी सब्जियां नीचे कर दी। आज एक अच्छी बात ये हुई है कि सानवी खुशी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, वो बेचारे इतने दिन से डे एंड नाइट पढ़ाई कर रहे थे, मतलब पढ़ पढ़ के भी वो एक कंटाल आ जाती है ना, एग्ज़ाम के बिगनिंग में तो थोड़ा सा जोश रहता है, बाद में तो फिर ऐसा हो जाता है कि कब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इमली जो है गर्म पानी में रख दिया है सोख होने के लिए। मैं डिनर बना रही हूँ पर हस्बैंड लगे हुए हैं थोड़ा सा काम करने, वो क्या कर रहे हैं वो तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने है ना जो आलू है वो निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे याद आया कि अरे थोड़े मसाले तो मिलाना मैं बिल्कुल भूल ही गई, हल्दी नमक जैसे मसाले। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाली है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, थोड़े से मेथी के दाना यहाँ पर ऐड किए हैं, और इसके बाद फिर आई थॉट, पहले तो मैं यही सोच रही थी कि जो प्याज टमाटर इसका मसाला अलग भूनूंगी, देन आई थॉट कि टमाटर तो मैंने काट के ऐड ही कर दिए हैं, अब प्याज का मसाला अच्छा भुनेगा नहीं अकेले, तो प्याज भी फिर मैंने काट कर यहीं ऐड कर दिया। थोड़ा सा सांभर पाउडर, मसाला रेडीमेड है ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है थोड़ी सी इसकी, और अभी ये जो कटे हुए आलू हैं ये ऊपर रख के मैं इसमें 3 सीटियाँ ले लूँगी। और ये देखो मेरे हस्बैंड की इंजीनियरिंग, उन्होंने मंदिर में बल्ब लगाया, पहले हम लोगों ने यहाँ पे फेरी लाइट्स लगा रखी थी पर उनको लगा कि लाइट थोड़ी कम है, तो उन्होंने ये यहाँ पे, बाय द वे कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, वो तार इसलिए आपको दिख रहा है, वो पीछे से ले जाके जहाँ मेन है वहाँ तक वो ले गए हैं। ऑन करूँ क्या, ऑन करूँ अब? एक मिनट ये दे दो पहले। अच्छा नहीं, ये मंदिर हम लोगों ने जो लास्ट टाइम मतलब पुराने वाले घर में जब काम लगवाया था ना तब बनवाया था साथ में, वो कारपेंटर पसीने में भीग गए, पंखा जला लेते यार। तो आज है ना? हाँ पक्का, थोड़ा सा अपने लेफ्ट कर दो। आज की दियाबाती शर्मा जी ने की है, ज़्यादातर सुबह की वो करते हैं, अगर मतलब मेरा उपवास वगैरह नहीं है तो सुबह की वो ही करते हैं, वो ऑफिस जाने से पहले करते हैं, उनका नियम है, और शाम की मैं करती हूँ, ये मेरा मतलब रूटीन है। पर आज क्योंकि सैटरडे है वो घर पे थे तो उनका दिल हो रहा था करने का, करूँ? ऑन करो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे वाह, ब्यूटी, मजा आ गया, बहुत सुंदर। तो वो दिया बाती कर रहे थे तो उनको लग रहा था लाइट जरा कम है। वाह, मजा आ गया, सुंदर बन रहा हूं मैं यहां के लिए। अच्छा, और सुंदर सुंदर तो है। अच्छा, फैंसी फैंसी, दैट वे डिजाइन वाला। थैंक यू। जो आलू हैं आप वो अलग से भी बॉईल कर सकते हो, बट मैंने इनको बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, ऊपर से रगड़ रगड़ के इनका जो स्किन है वो साफ़ कर दिया था, तो फिर मैंने काट काट के इनको दाल के साथ ही बॉईल करने रख दिया, साथ में ही सब आसानी से उबल गया और अब ये थोड़े से ज़्यादा फ्लेवरफुल भी हो गए हैं। और ये देखो मुझे क्या मिला, मुझे मिल गए करी पत्ता। मैंने लास्ट टाइम जब मेरे करी पत्ता प्लांट की ट्रिमिंग की थी तो उस झाड़ पे जो पत्ते पत्ते थे, जो कट गया था पार्ट, वो पत्ते पत्ते निकाल करके मैंने सूखे करके माइक्रोवेव में सुखा करके इनको स्टोर कर लिया था, तो ख़त्म हो चुके हैं, बस ये लास्ट एक छोटा सा कंटेनर में अभी बाकी हैं तो मुझे मिल गए। वैसे मैं सूखे कभी नहीं इस्तेमाल करती, मुझे थोड़ा सा इनका टेस्ट अलग सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, फ्रेश वाला टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो खाए जाते हैं, ये खाने में थोड़े से अलग लगता है, मतलब पकने के बाद मेरी पूरी फैमिली इनको निकाल देती है बट मैं खाती हूँ ये, तो जो फ्रेश वाले जब मैं तोड़कर ऐड करती हूँ ना वो स्वाद लगते हैं खाने में। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा तो मुझे मसाला भी कम लग रहा था, थोड़ा सांभर पाउडर ऐड करा, मैंने इमली का पानी बना करके रखा था वो ऐड किया, थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है, नमक वगैरह भी टेस्ट करा था, और उसके बाद बस इसे रख दूँगी मैं साइड में, और जो आलू की जो सब्ज़ी बनानी थी ना सिंपल सी, वो तब तक मैं बना लूँगी। तो मैंने पैन के अंदर लिया है, थोड़ा ऑयल ऐड किया है,
ये थोड़ा सा वाइट उड़द की धुली हुई दाल और थोड़े से चना दाल एंड इसमें मैं राई ऐड करूँगी। ये सबको अच्छी तरह भून लेना है। थोड़े से करी पत्ता मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं और ये सारी चीज़ें हल्की हल्की भून लेंगे। एक ना बहुत अच्छा सी खुशबू आने लगती है जब दाल भूनती है, बस इतनी खुशबू चाहिए, ज़्यादा कलर मत डार्क कर लेना। इसके बाद फिर इसमें हरी मिर्ची ऐड करी है। इस मसाले में भी लाल मिर्ची नहीं जाती है तो इसलिए हरी मिर्ची उतनी ही डालिएगा जैसा आपको पसंद आए। वैसे ये स्पाइसी भी नहीं होता और जो मिर्ची मैंने ऐड करी है ये स्पाइसी है भी नहीं। इसके बाद मिर्ची थोड़ी सी ही भूननी है, फिर इसमें डाल देना है प्याज। इसमें प्याज भी ज़रा कच्चा कच्चा रहता है, मतलब प्याज पका होता है बट इन अ वे कि उसमें कलर नहीं होता, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर इसको एक मिनट जैसा पका रही हूँ। मैंने नमक हल्दी यहाँ पर ऐड कर दिया है प्याज को अब इन मसालों के साथ, मतलब हल्दी के साथ। थोड़ा मैं और 30 सेकंड जैसा भूनूंगी कि हल्दी का जो कच्चापन है वो चला जाए, पर प्याज तो अभी कच्चा ही है ना, तो इसको पकाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी वाटर। पानी इस तरह ऐड करना है कि ये जो प्याज है ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, बट स्टिल एक थोड़ी सी ग्रेवी जैसी इसमें बचनी चाहिए, वो हमको आगे ज़रूरत लगेगी। तो थोड़ा मैंने आधा ग्लास जैसा पानी यहाँ मिला दिया, ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर पका लूँगी। और अभी 2-4 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला है तो प्याज कुक्ड हो गया है मेरे हिसाब से जैसे मुझे चाहिए। इसके बाद फिर मैंने आलू छील करके इसके अंदर ऐसे रफली मैश करके ऐड कर दिए हैं और जो पानी है वो आलू तो एब्जॉर्ब कर जाएंगे फटाफट से। जब डोसे के अंदर ये मसाला स्प्रेड करते हैं तो जो आलू होते हैं वो थोड़े से रनी ही रखे जाते हैं सो दैट अच्छी तरह स्प्रेड हो सकें, बट मैं इसे एज साइड थोड़ा सब्ज़ी की तरह से सर्व करूँगी। तो मैंने मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बना लिया। आप इसमें थोड़ा और पानी रख सकते हो हल्का सा और इसे लटपटा सा बनाएंगे तो स्प्रेड करना आसान रहेगा। वैसे कुछ लोगों को ये थोड़ा ड्राई ड्राई भी पसंद आता है, तो जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से कंसिस्टेंसी रख लेना। इसके बाद फिर एक तड़का तैयार कर रही हूँ मैं। मैंने लिया है ऑयल में ऐड किया है थोड़ा सा लाल मिर्ची, उड़द पहले ऐड किए थे, सूखी लाल मिर्ची ऐड करे थे, फिर राई ऐड किया, राई स्प्लटर होने लगी तो लास्ट में ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा पहले ऐड करेंगे तो काला हो जाएगा और ये तड़का मैंने दिया है सांभर को। तो 2 आइटम हो गए हैं रेडी और ये देखिए मेरा जो सॉल्ट का जो लिड है ये गिर गया था, तो इसका जो टॉप है जो जिससे इसको होल्ड भी करते हैं वो टूट गया। और ये इतना सारा नहीं टूटा था पर ये क्योंकि सिरामिक का है ना तो हस्बैंड ने पूरा ही हटा दिया कहीं हाथ में ना लग जाए। तो यहाँ पे आलू हो गया रेडी, ये भी मैंने निकाल लिया, फटाफट से डोसे उतार लेंगे। और डोसे आजकल अच्छे बना लेती हूँ मैं, मतलब बहुत सालों में मैंने सीखा, पहले मुझसे बनते नहीं थे, पर वैसे ये काफ़ी ज़्यादा आसान है भी बनाना। सिर्फ 2-4 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पहला तो इसमें ना हीट का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, तो आपका जो तवा है वो बहुत ही अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। ठंडा होगा तो डोसा चिपक जाता है, फिर उतरता नहीं है। डोसा ऊपर से ड्राई हो जाए तो ही इसमें घी बटर ऑयल आप ऐड करो, मैंने तो घी ऐड किया है। फिर किनारे से उतारना शुरू करें जब इसमें कलर दिखने लगे और ये ईजिली उतर जाता है। मैं मेरा ये थोड़ा पुराना वाला नॉनस्टिक है इस पे बनाती हूँ, वैसे ये लोहे के तवे पे भी अच्छा बनता है बट मेक श्योर मोटे तले का लोहे का तवा हो। बिल्कुल न्यू नॉनस्टिक पे भी बनाना मुश्किल होता है मेरे पास, मतलब मैंने एक बार ट्राई किया था बट नहीं हो रहा था, मतलब मेरे अगारों के नए बर्तन आए थे ना तो उसमें जो तवा है उस पर मैंने एक बार ट्राई किया था बट वो इकट्ठा ही हुए जा रहा था बीच में। और रात के 11:15 बज रहे हैं एंड मैंने अभी इन दोनों की चोटियाँ करी है। अपने बाल दिखाओ दोनों कैसे दिखा रही है, वाह सामने से सामने खुशी मुंह दिखा, कितनी डिफरेंट लग रही है बच्ची ये चोटी मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी तो कोई बनाता नहीं था, मैं अपने आप से बनाती थी, हाथ ही दुख जाते थे। बाबू एक बार फेस सीधा करके दिखा दे आगे पीछे से, नहीं तू आराम से नीचे हो जा, खुशी की बात कर रही हूँ, तेरा नंबर 1 मिनट में आएगा। वाह 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 अब दिखाओ तुम मैडम। पहले इसी का हुआ था, मैंने इसकी मांग देखो टेढ़ी निकाली, मुंह दिखा ना सामने से दिखाओ, हाँ जी टेढ़ी है, मिड पार्टीशन नहीं है। ये भी बैठी हुई थी और इसके डैडी भी बैठे हुए थे, पर बताया नहीं कि मांग टेढ़ी निकल रही है। हमने जब तक नोटिस किया तब तक तू एक साइड की ब्रेड बना चुकी थी उसकी। ओके दिखा ना थोड़ा मुंह ऊपर कर, कितनी प्यारी लग रही है वरना हर वक्त बाल खुले करके घूमती रहती हो। अब दिखा नीचे को सर करके, तो इसकी 2 चोटियां बनाई है मैंने, उधर भी वैसे ही है। ये रुक एक एक फोटो खींचूंगी।